हे भगवान, आज हमारे साथ फिर से हो गया एक और स्कैम। आज का हॉल जो है आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मीशो चिकन करी कुर्ती हॉल है। तो हमने ढेर सारी ड्रेस मंगवाई हुई है और देखते हैं कि क्या आता है, कैसा आता है। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा पैकेट वो जो है ओपन करके देखा है, तो एक स्कैम भी हो गया मेरे साथ। अब देखते हैं क्या होता है फिर से अगेन। यार पूरा जब मैं ओपन कर रही थी, चेक कर रही थी, मूड खराब हो गया। पर जो भी हो, बाकी की ड्रेसेस देखते हैं कि कैसी आई हुई है, इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, वो सारी चीजें ओपन करके हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, आज का लुक हमारा कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आज का अपना हम हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं, ड्रेस जो है ओपन करते हैं। क्योंकि ये सारी ड्रेसेस ओपन करने के लिए ना मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन उससे पहले बस आपको एक काम करना है कि हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एक लाइक करना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपनी ड्रेसेस ओपन करना। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम ये वाली ड्रेस। सारों का प्राइस और ओरिजिनल पिक्स मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और जो इसका कोड होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करिएगा। तो फर्स्ट वाली ओपन करते हैं जो है जॉर्जेट के कपड़े में। एक्चुअली ब्लू है, डार्क ब्लू कलर, ब्लैक नहीं है। कलर इसका बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और एम्ब्रॉयडरी भी काफी अच्छी है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इस तरह से, और स्लीव्स आएंगी जो आई थिंक एल्बो के पास तक आएंगी। ये देखिए स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड इस तरह से। और ये देखिए कुर्ती का लुक तो काफी अच्छा लग रहा है, घेर भी काफी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है कहेंगे बट ओके ओके है। लेंथ जो है काफी ठीक है, एम्ब्रॉयडरी भी काफी अच्छी है, धागे की एम्ब्रॉयडरी है, मशीन वाली जो होती है ना वो वाली करी हुई है। ये देखिए इस तरह से, इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा। और इसमें एक चीज है कि जो लाइनिंग है ना वो सिर्फ आपको फ्रंट में मिलेगी, नीचे आपको लाइनिंग में नहीं मिलेगी, नीचे यू ट्रांसपेरेंट है। बट मुझे इसका कलर यार बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन जो व्हाइट में दिया हुआ है, सारे आपको व्हाइट एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो जरूर चेक करिएगा यार, वर्थ बाइंग है। जॉर्जेट के कपड़े में है, आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। पहनने के बाद आई थिंक बहुत प्यारी लगेगी। सो हमने इस वीडियो में सारे कलर ऐड करने की कोशिश की है, जितने भी मुझे मिले, जितनी डिजाइन है सारी चीजें ऐड करने की कोशिश की है। बट इतने सारे पार्सल एक वीडियो में दिखाने में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा है इसको दो पार्ट में करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट वाला आपको मिलेगा 21 को और सेकेंड वाला पार्ट आपको मिलेगा सैटरडे के दिन, तो आप जरूर चेक करिएगा। तो चलिए अपनी सेकेंड कुर्ती भी ओपन करते हैं। आज का मौसम जो है इतना अच्छा हो रहा है कि बाहर सुबह से बारिश हो रही है, इतना अच्छा, सुबह से नहीं एक्चुअली रात से ही बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर का मौसम। और फिर दिखाते हैं हम अपनी रेड कलर की कुर्ती, तो इसको भी ओपन करते हैं। सबसे पहले हमको मिला इसमें एक लाइनिंग जो कॉटन के कपड़े में है, लेंथ वगैरह भी काफी सही है इसकी लाइनिंग की, और लाइनिंग के हिसाब से जो इनर होती है ना उस तरह का है, मतलब कपड़ा भी ठीक दिया हुआ है, एकदम बिल्कुल माकर पुल्ली जो होता है ना कपड़ा, वो वाला नहीं दिया हुआ है, काफी सही है। बट इसका नेक देखो यार कितना बड़ा है, अगर ज्यादा आपको बड़ा लगे तो यहाँ से आप ऊपर से मोड़ सकते हो। बाकी कपड़े की क्वालिटी सही मिली है इसकी लाइनिंग की। फिर इसके बाद बात करते हैं अपनी कुर्ती की, तो ये आ रही है हमारी कुर्ती जो ओरिजिनल मिरर के साथ वर्क किया हुआ है। ये देखिए धागे का, जो फर्स्ट वाली दिखाई थी वो जो है एम्ब्रॉयडरी, मशीन की एम्ब्रॉयडरी होती है, वैसे अगर देखा जाए तो उससे चिकनकारी कुर्ती नहीं बोलते हैं, बट आप कह सकते हो। मेन जो चिकनकारी कुर्ती होती है ना फ्रेंड्स, वो इसको बोलते हैं, इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना उसको चिकनकारी कुर्ती बोलते हैं। तो ये देखिए ये आ रहा है फ्रंट लुक, ओ माय गॉड, कलर कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा लाइट जो टोमेटो रेड होता है वो वाला नहीं है, थोड़ा सा डार्क में है। और ये आएगी स्लीव्स इसकी, स्लीव्स इसकी भी काफी सुंदर स्लीव्स हैं, साइज वगैरह एकदम सही है, परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए ये स्लीव्स हैं, ये पूरा फ्रंट लुक आएगा, पूरे में एम्ब्रॉयडरी आएगी, इस तरह से जो लुक आपको दिख रहा था ना ओरिजिनल पिक में वही मुझे मिला हुआ है। तो ये साइड में बॉर्डर मिलेंगे इस तरह से, और बैक साइड भी एक फ्लावर, सिंगल फ्लावर बना हुआ है, जॉर्जेट के कपड़े में आ रही है बैक साइड, ये सिंगल फ्लावर देख रहे हो आप ना, सिंगल इस तरह से, ये वाला सिर्फ ये वाला बना हुआ है। तो आई थिंक
ये कुर्ती वर्थ बाइंग है यार, काफी प्यारी लग रही है। बट मुझे हमेशा ना जो ओरिजिनल वाले मिरर होते हैं उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बहुत शार्प होते हैं और ऐसे ही स्टिक करे रहते हैं। बट साइन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। जो ओरिजिनल चिकनकारी की कुर्तियां होती है ना, उनके जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है वो बहुत ही हल्का सा होता है, एकदम सॉफ्ट सा मुलायम सा कपड़ा होता है, तो इसका वैसे ही कपड़ा है। सो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कुर्ती ओपन करते हैं, जो है हमारी येलो कलर की। यार इतनी ब्यूटीफुल कुर्ती लग रही थी, इसमें और ढेर सारे कलर मिल जाएंगे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो, पहले मिला इसके साथ हमें लाइनिंग, 40 नंबर इसका लिखा हुआ है। ये देखो इसका नेक ठीक है, साइज वगैरह भी सही है यार, लाइनिंग के हिसाब से सही है, काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम ओपन करते हैं अपनी कुर्ती। ये देखो इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर ट्राई कर सकते हो। तो इसकी कपड़े की क्वालिटी जो है जॉर्जेट की, एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये जॉर्जेट। और ये देख सकते हो, ये आई रही हमारी कुर्ती जो सिंगल फ्लावर बना हुआ है स्लीव्स में। ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है ना, कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मुझे इसमें रेड कलर भी और एक मंगवाना चाहिए, आगे देखूंगी ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे ये येलो कलर बहुत पसंद आया, तो मैं इसमें सोच रही हूँ रेड कलर भी मंगवाऊं। ये अंगरखा स्टाइल में आएगी पूरी कुर्ती, सेम जैसे दिख रही थी ना एम्ब्रॉयडरी, वैसे ही सेम एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। घेर देख सकते हो आप, काफी सही है। ये फ्रंट कट कुर्ती है, फ्रंट इतना में कट आएगा, साइड कट नहीं है, साइड जो है पूरे में स्टिच है नीचे तक इस तरह से। तो फुल कुर्ती लुक आप फ्रेंड्स साइड में देख सकते हो, इसका लुक कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। इसका कलर भी इतना सुंदर लग रहा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो डिजाइन दी हुई है अंगरखा स्टाइल में दी हुई है, काफी यूनिक डिजाइन है, एक नया कलेक्शन है ये मीशो का, आपने देखा नहीं होगा इस तरह का, बहुत प्यारा है, आप इसको जरूर बाय करिएगा फ्रेंड्स। आप कोई और भी कलर बाय कर सकते हो, वैसे मुझे ये कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बट मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि मैं कोई और भी कलर ट्राई करूं, तो मैं और भी कलर ट्राई करूंगी इसके, वो भी आप लोगों के साथ आपको शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स एक चीज और हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारी 1000 फैमिली कंप्लीट हो गई है, YT फैमिली। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, उसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत टाइम लगा, बहुत घसना पड़ा हमको, तब जाके यहाँ मतलब 1000 फैमिली कंप्लीट हुई है। जस्ट कह सकते हो आप, अभी एक स्टेप है जो कंप्लीट हुआ है, बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जिस समय वो चल रहा था ना, कि हमने स्क्रीन पे लगाया देखने के लिए, तो ऐसे दिल की धड़कने इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतना मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मेरे 1000 हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। बट यार वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत अमेजिंग होती है, और उस फीलिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट लाते रहेंगे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। आप लोग भी थोड़ा सा हमसे जुड़िए, कनेक्ट करिए हमारी फैमिली से, हमारे मतलब कुछ मैसेज कुछ कमेंट करा करिए, कुछ बताया करिए कैसा लग रहा है क्या है, और सब्सक्राइब भी करा करिए प्लीज, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि एक ग्रोथ मिल सके उसके लिए, और उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट ओपन करते हैं, ये है ग्रीन कलर का पूरा कुर्ता सेट आपको मिलेगा इसमें। सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसका पैजामा, काफी बड़ा है, इसमें आगे नाड़ा पड़ा हुआ है जिससे आप साइज एडजस्ट कर सकते हो, बैक साइड इलास्टिक पड़ी हुई है, और इसके अलावा आपको ये इस तरह से मिलेगा कॉटन का, नीचे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, पैंट स्टाइल में है, धोती स्टाइल में कह सकते हो, और नीचे एक फ्रिल का डिजाइन है, ये देखिए इस तरह से फ्रिल का एक डिजाइन मिलेगा, और ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है ये इस तरह से धागे वाली, तो काफी अच्छा लग रहा है यार। आप इसको किसी भी जितनी भी पहले कुर्तियां दिखाई उन सबके साथ आप वियर कर सकते हो, या फिर कोई भी चलेगा, क्योंकि व्हाइट कलर प्लेन व्हाइट में है, एम्ब्रॉयडरी है, काफी अच्छा लग रहा है, डिजाइनर है, तो आप कहीं भी पहन सकते हो उसको। इसके बाद हम ओपन करते हैं अपनी कुर्ती,
इसका कपड़ा जो है लिनन कॉटन का कपड़ा है, जो हल्का सा लिनन टेक्सचर में आता है ना, व्हाइट थोड़ा सा वो वाला कपड़ा आ रहा है इसका। प्लेन स्लीव्स आएंगी, स्लीव्स आई थिंक बहुत ही हैवी दी हुई है साइज के अकॉर्डिंग, 40 नंबर इसमें साइज लिखा हुआ है, तो स्लीव्स मुझे इसका सही नहीं लगा फिटिंग। और इस बाकी कुर्ते की बात करते हैं तो कुर्ती काफी सही है, ये देख सकते हो इसकी एम्ब्रॉयडरी काफी अच्छी है, कॉटन में है तो गर्मियों में आप आराम से पहन सकते हो, पूरा कुर्ता सेट है। स्लीव्स में थोड़ी सी फिटिंग करवानी पड़ेगी, बाकी सही है। साइज वगैरह जो कुर्ती का लेंथ है वो भी ठीक है, काफी एप्रोप्रिएट है, काफी सही लगा। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है ये देखिए, और कपड़ा भी बहुत सही है, पूरा सेट जो आ रहा है काफी सही है, काफी प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ बाइंग है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने स्कैम वाले पार्सल की, तो देख सकते हो हमने ये वाली कुर्ती मंगवाई थी और हमें मिला है ये एक वेलवेट टाइप की कोई टी शर्ट है, ये देख सकते हो, तो ये मिली है हमें ये, और इसमें प्राइस टैग भी चिपकाया हुआ 1499। तो इसको हम करने वाले हैं रिटर्न, और रिटर्न करने का प्रोसेस कैसा होगा पता नहीं, मतलब कितना प्रॉब्लम आएगी आई डोंट नो, क्योंकि पिछली बार जो मेरा सूट के साथ हुआ था वो मेरा रिटर्न ही नहीं हो पाया और वो पड़ा हुआ है अभी तक, इसका देखती हूँ क्या होता है। पैकेट टू जो था मुझे मिला वो कहीं से ओपन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई जो है रास्ते में किसी ने चेंज कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, बहुत अच्छे से पैक होकर के आया था। प्राइस भी ज़्यादा है, 100-200 रुपए का तो है नहीं, बट देखते हैं क्या होता है, बहुत बहुत डिस्टर्ब हो गए इस तरह के स्कैम से। तो अभी मेरे साथ हाल ही में हुआ था, फिर से हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आज के कलेक्शन में हम फ्रेंड्स इतने ही शेयर करेंगे, बाकी नेक्स्ट सैटरडे वाले वीडियो में आएगा तो आप उसको भी जरूर वॉच करिएगा, उसमें भी बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ हमारी फैमिली से प्लीज जरूर जुड़िएगा YT फैमिली से, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सैटरडे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।